दोस्तों आज हम बताने वाले हैं टेस्ला की कार में हुए एक बड़े हादसे के बारे में। टेस्ला की कार में आग लग गई और साथ ही उसमें बैठे हुए अमेरिकी डॉक्टर की जलकर मौत हो गई। दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन को दबा दें जिससे कि आप हमारे वीडियो पा सकें सबसे पहले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह हादसा अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ। यहां 48 साल के अमेरिकी डॉक्टर उमर अवान अपनी टेस्ला एस कार में सफ़र कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कार का नियंत्रण खो दिया और कार पेड़ से जा टकराई। तो दोस्तों जैसा कि कारों की दुनिया में अत्याधुनिक और भविष्य की सुविधाजनक कार बनाने का दावा करने वाली कंपनी टेस्ला एक बार फिर विवादों में घिर गई है। दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा में एक डॉक्टर के परिवार का आरोप है कि उसकी मौत कार दुर्घटना में इसलिए हो गई क्योंकि दुर्घटना के बाद उसकी टेस्ला कार के दरवाजे नहीं खुले और वह आग में जलकर मर गए। इसे लेकर परिवार की ओर से कंपनी के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। यह हादसा फ्लोरिडा में हुआ। यहां 48 साल के अमेरिकी डॉक्टर उमर अवान अपनी टेस्ला मॉडल एस कार में सफ़र कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कार पर नियंत्रण यानी कंट्रोल खो दिया। उनकी अत्याधुनिक कार एक पेड़ से जा टकराई जिसके बाद टेस्ला मॉडल एस कार की बैटरी में आग लग गई। पहले धुआं उठा और फिर आग की तेज लपटें उठने लगी। इससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों कंपनी जैसा दावा करती है कि यह अन्य किसी भी कार से अधिक सुरक्षित है, लेकिन इस हादसे में डॉक्टर की जान चली गई। इससे पहले भी टेस्ला कई कार हादसों का शिकार हो चुकी है, इनमें कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी कंपनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत कार बनाने का दावा टेस्ला करती है। जैसे कि आपने सही सुना, कंपनी का दावा यहाँ पर बिल्कुल ही फेल नज़र आता है। कंपनी का दावा है कि यह अन्य किसी भी कार से अधिक सुरक्षित है, लेकिन इस हादसे में डॉक्टर की जान चली गई। और ऐसा एक बार नहीं है, पहले भी टेस्ला के साथ में काफ़ी बार हो चुका है। काफ़ी मौतें हो चुकी हैं टेस्ला की कारों में। तो परिजनों का आरोप है कंपनी की इस आधुनिक कार के दरवाजे ऑटोमेटिक थे, उनमें लगे हैंडल भी ऐसे थे कि उनको खोलना आसान नहीं था। ऐसे में कार के चारों ओर खड़े लोग भी दरवाजे को खोल नहीं पाए जिससे डॉक्टर की मौत हो गई। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी हमें सुविधा देती है, वैसे ही उसके कुछ परेशानियाँ भी होती हैं, जिसके जितने फ़ायदे उसके उतने नुकसान भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को टेस्ला को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और बहुत ही इस पर काम करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं कि पहले भी ऐसे कुछ न्यूज आ चुकी हैं कि जिसमें टेस्ला कार के टकराने के बाद उसकी बैटरियों में आग पकड़ ली और वहाँ पर वह आग लपटने की वजह से टेस्ला की कार जल गई। तो ऐसी न्यूज़ पहले भी आ चुकी हैं और अभी भी आ रही हैं। इस पर गंभीरता से लेना चाहिए टेस्ला को और उस पर काम करना चाहिए, और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए बहुत ही ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती टेस्ला की कार नहीं है, जान बहुत ज़्यादा कीमती है। टेस्ला को ये समझना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आप इसको और लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर वाले बटन को दबाएँ और इसको व्हाट्सअप फेसबुक जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ पर प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।